हाँ जी, तो आपका भाई यहाँ पर अपने फैन से मिलने आया था और यहाँ पर तो मजमा लग गया। ये देख, मिलते हैं फिर। हाँ जी, तो आपने जो देखा ऐसी फैन फॉलोइंग हो जाएगी भाई की, तो पहले तो इंट्रोड्यूस कराते हैं हम अपने आप को। माय नेम इज हमजा राजपूत, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो आपका वेलकम करते हैं फिर से अपने चैनल पर बीइंग करेला, और आज का टॉपिक है माय रिलेशनशिप स्टेटस। फिर घर जाके पूरी स्टोरी बताते हैं आपको। आप जहां भी जाओ वो सवाल आपका पीछा करते करते पहुंचता है, और सबसे ज्यादा पहुंचता है वो आपके दोस्तों के नजदीक। जब संगतें लगती हैं तो सवालों का बाप सवाल होता है कि आजकल भाभी हमारी किसको बनाया हुआ है। लेकिन जब आपकी किस्मत ऐसी हो कि आप यूफोन के स्पैम मैसेज पर भी हाय रवि का मैसेज करते हो और उसके रिप्लाई का वेट करते हो, कि आप किसी बंद नंबर पे कॉल करके पब्लिक को ये प्रिटेंड करते हो पर आई एम बिजी विद समवन, इतनी टट्टी जिंदगी पर जब आपसे ये सवाल हो जाए तो कुछ ऐसा फील होता है। क्यों आए हो मेरी मौत का तमाशा देखने? अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये अटेंशन लेने के लिए फेंक रहा है, लेकिन ये भाई की जिंदगी का एक ऐसा सच है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन आपका भाई इस सच की क्लेरिफिकेशन दे के जाएगा पूरी दुनिया में लोगों के लिए, और जो रिलेशनशिप का सोच रहे हैं और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए रिलेशनशिप की डेफिनेशन मैंने गूगल से पूछा तो गूगल ने जवाब दिया। The way in which two or more people or things are connected. जब relationship का word मेरे लिए use होता है तो क्या होता है? आपके दोस्तों को लगता है कि इसकी life fit है और बच्ची है इसके पास fit है, आपके पास बेपना लड़कियाँ जब चाहे जिसको लेके घूमो फिरो नाचो गाओ ऐश करो और क्या। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि single life होती कैसी, क्योंकि सिंगलों का बापों का बाप हूँ मैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई एक लड़की नहीं फंसा। जो बात, तो आप सिंगल होते हो तो आप अपने आप में सेलिब्रिटी होते हो, किसी भी मॉल में जाते हो जिस लड़की पे नज़र आपकी पड़ जाए आपको वो बनी बनाई दुल्हन विद योर किड्स के साथ दिखती है। लेकिन असल में उन लड़कियों के दिमाग में सिर्फ एक चल रहा होता है कि इसका किस तरह काटना। डेंजरस वर्ड भाई 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 भाई। अब आप अटेंशन लेने के लिए कुछ भी करते हो, आप अपने इंस्टाग्राम पे शायरियाँ डालते हो, आप अपने स्नैपचैट पे शायरियाँ डालते हो, ब्लैक पिक्चर लगा देते हो, आप एक दिन में हज़ार फॉलो कर रहे हो, तो कुछ लड़कियाँ आपको फॉलो बैक करती भी, लेकिन वो वर्ड चेंज नहीं होता, वो आपको भाई बोलने पे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आपकी शक्ल ही ऐसी। वो भी भाई बताएगा कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। लेकिन ये तो सच है कि मुझे किसी ने पसंद नहीं किया, लेकिन आपके भाई ने किसी को पसंद किया, और इसकी स्टोरी लाइन के लिए हमने डाल दिए बीच में शॉर्ट ताकि आपको बोरियत ना हो। आज से 4 साल पहले भाई ने अपनी औकात से बढ़कर बंदी पसंद की। पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, भाई को तुझसे फॉल इन लव हो गया। अब उसके हुसन की ताबीर बता देता हूँ ताकि स्टोरी का ट्विस्ट आपको समझ आ जाए। हुसन में तो वो चांद है, हम उस पर दाग हैं। हुसन में तो वो साफ आसमान है, हम उसके आर पार हैं। अब आपके भाई को ये नहीं पता था कि जिसको वो क्रश बना रहा है वो हुसन का पहाड़ है। अब खुद से हारने का मुझको कोई रीज़न नहीं मिल रहा था, मैं रोज़ अपने आप से हारने के लिए रीज़न ढूंढ रहा था, और मुझे एक आइडिया है। मैंने खुद को शीशे में देख लिया और मुझे मेरा रीज़न मिल गया, और मुझे शाहरुख भाई के ये डायलॉग याद आया। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, मगर रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ती। अब भाई की रिलेशनशिप की स्टोरी यहाँ होती है एंड। अब आ जाओ मोरल पे। मोरल ये है इस स्टोरी का कि तुमने अपने प्यार को गली कूचों में, बाजारों में, दोस्तों की संगतों में सुनाया होगा, लेकिन मेरे प्यार को कोई नहीं जानता। अब मैं यहाँ पर एक शेर अर्ज करूँगा और इस स्टोरी का दी एंड करूँगा। तुम जलते चिराग का नूर लगते हो, तेरी खूबसूरती को मेरे अल्फाज छू नहीं सकते, हुजूम है हुसन में तुम लवाब लगते हो। जो लोग कहते हैं कि सिंगल लोगों की लाइफ नहीं होती, उनके लिए भाई ने कुछ कहा है। यह मजदूर का आधे का दिया,
लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। तो भाई के लिए अभी ये डायलॉग बहुत अच्छा है क्योंकि भाई है सिंगर, और समझ जाओ जो समझ सकते हैं।